प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए एक एक आरोप का सटीक जवाब दिया। उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ये महामिलावट वाला बंधन है। मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। उन्होंने कहा कि कोलकाता में साथ नजर आते हैं तो वहीं अपने अपने राज्यों में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। कांग्रेसियों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंशवाद उनके लिए संस्कार और संस्कृति है। इन्होंने मिलावटी संस्कृति को स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें सभी वंशवादी हैं और थोक के भाव में जमानत पर हैं। करीब करीब थोक में सब बेल पर हैं। तो बड़ा स्वाभाविक है फिर। इस देश की 125 करोड़ आवाम ने 3 दशक बाद बहुमत वाली सरकार दी है। बहुमत वाली सरकार का स्वाद चखने वाली जनता और स्वस्थ लोकतंत्र चाहने वाले लोग इस बार भी महामिलावट से दूर रहेंगे। वहीं आगे बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपातकाल लगाने वाले, सेना को अपशब्द कहने वाले, न्यायपालिका को धमकाने वाले कहते हैं कि मोदी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। भाषण देते हुए उन्हें एक कहावत याद आ गई, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कैसे इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। जहां तक रफेल का सवाल है, रक्षा मंत्री एक एक आरोप का जवाब दे चुकी हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस रफेल सौदा रद्द करना चाहती है। कांग्रेस नहीं चाहती हमारी वायुसेना मजबूत हो। कांग्रेस किस कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है। वहीं आगे बोलते हुए मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 55 साल के शासन में आपने कोई रक्षा सौदा बिना दलाली के नहीं किया। इसी के संदर्भ में 3-3 राजदारों को भारत लाया गया तो चिंता इन लोगों की बढ़नी स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 125 करोड़ जनता को सब दिखता है कि 4.5 साल पहले क्या होता था और अब क्या है। मोदी ने कहा कि लोग कांग्रेस के 55 साल और हमारे 55 महीनों के काम का आंकलन करें। अब जरा हिसाब की बातें चल रही है, हमारी सरकार तो हमारी सरकार, तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। देखिए स्वच्छता का दायरा, 55 साल में 2014 तक 40% था, आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% कॉस्ट रहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस बोलती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी की थी, पर कांग्रेस वालों आपने तो सेना को निहत्ता बना दिया था। उस समय सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, अच्छे जूते, कम्युनिकेशन उपकरण ही नहीं थे। 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट सेना ने 2009 में मांगे थे, पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। यही बुलेट प्रूफ जैकेट हमने 2016 और 2018 में मांग के मुताबिक खरीद कर दिए।
सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे, और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छी प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की, और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 55 साल में सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगी था, मगर हमारी सरकार के 55 महीनों में सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोध करना विपक्ष का काम है। मोदी की बुराई की जानी चाहिए, लेकिन मोदी भाजपा की बुराई करते करते लोग देश की बुराई करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 4.5 साल पहले 10वीं या 11वीं अर्थव्यवस्था था, पर आज 6ठे नंबर पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।